हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मंचूरियन का रेसिपी, जो कि मेरा फेवरेट है और आई होप आप लोग का भी हो। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने लिया एक बंदा गोभी, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया और उसमें नमक डाल के छोड़ दिया है उसका पानी निकलने के लिए। और तब तक हमने ये सारी चीज़ें कट कर लिया है बारीकी, जैसे कि आप देख ही रहो वीडियो में सारी चीज़ें कट कर। फिर हमने नमक से पानी जब छूटा तो हम उसे निकाल लिए एक जगह पर, और ये सारी चीज़ें हमने काट ली हैं अच्छे से। और आधी लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है हमने। और उसके बाद हम उसका मंचूरियन बॉल बनाने का जो मिश्रण होता है वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें शिमला मिर्च, मिर्च, आधी लहसुन का पेस्ट और सब कुछ, गाजर वगैरह डाल दिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़े चम्मच मैदा हम लोग मिलाते हैं, जिससे कि हमारा बॉल बहुत ही क्रंची होता है और बहुत ही अच्छा होता है। फिर हम उसमें नमक डालते हैं, उसके बाद उसको बहुत अच्छे से मैश करते हैं और वो बहुत अच्छा बन जाता है उसका मिश्रण। उसके बाद हम उसका मंचूरियन बॉल बना लेते हैं और फिर हम कढ़ाई में गर्म तेल करके उसमें सारे मंचूरियन बॉल को डाल देते हैं, और वो बहुत ही अच्छा रेड ब्राउन होना चाहिए, एकदम से क्रंची। और इसको जब हम पूरा रेड करके निकाल लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमारा बॉल कितना क्रंची एंड सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। देखो, जैसा कि आप देख ही रहो, बड़ा मज़ा आने वाला खा के। और फिर ये सारी चीज़ें ग्रेवी बनाने के लिए हमने रेडी कर रखा है ऑलरेडी। तो हमने गरम तेल में प्याज ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर दिया। रेड चिली ले लिया है, ग्रीन चिली ले लिया है, और फिर शिमला मिर्च ले लिया है और बहुत अच्छे से फ्राई कर दिया है। और नमक डाल के उसको बहुत अच्छे से फ्राई करते रहिए जब तक वो आपका थोड़ा रेड ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। यहाँ जीरा गोलकी का पाउडर और रेड मिर्च, रेड कश्मीरी मिर्च डाल दो रंग लाने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ जो हमने गाजर को कद्दूकस किया था वो डाल दो, और ये सारे साउसेस तो इसमें पड़ेंगे इसमें, इसलिए मैंने आपको इकट्ठे ही दिखा दिया कि ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी एक एक करके। उसके बाद ये और ये रेड चिली साउस और सब सारी चीज़ों को डाल के, और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसका पानी थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसको बनाया हमने, और इसमें डाल के इसमें गाढ़ा बन के थोड़ा सा पानी भी डाल देना है इसमें उसको धो के, और फिर आपका ग्रेवी इतना मस्त बन जाएगा ना थोड़ा सा पानी डालने से। उसके बाद लास्ट में विनेगर डालेंगे और टमाटो सॉस डालेंगे हम, बहुत अच्छा लगेगा ये डालने से, क्योंकि यही तो ग्रेवी की मेन अच्छी चीज़ें होती हैं कि इनसे हमारा। और फिर जब हम इसमें मंचूरियन बॉल डालते हैं हमारे गाढ़े ग्रेवी में, तो मज़ा ही आ जाता है। तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप मज़े लीजिए।